हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल डियर बालेज क्लासेस बाई बालेज सर। ठीक है, हम आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स मतलब परिवर्तापियों के बारे में बता रहे थे। अच्छा, परिवर्तापियों का एक वीडियो मैंने पूरा बताया है और उसमें चारों चीज़ प्रूफ कराया, उसके चारों प्रॉपर्टीज़ को मैंने सिद्ध किया है, एक एक प्रॉपर्टीज़ को लेकर के। ठीक है, तो जो बच्चे वो वीडियो नहीं देखे हैं उसको देख लें। अच्छा, अगर नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से देख सकते हैं। चलिए, उसके आगे की मैं बात करता हूं, सममितापियों किसे कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सममितापियों ध्यान से देखते हैं, सममितापियों। ठीक है, अगर मैं सममितापियों की मैं बात करूं तो इसको अंग्रेजी में सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, SYMM। इसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या चीज होता है, सममितापियों। अच्छा, सममितापियों किसे कहते हैं, अगर a डैश इज इक्वल टू a हो या a की पावर t इज इक्वल टू क्या हो, a। अब कोई जो वीडियो नहीं देखा पूछेगा a की पावर t, t का मतलब होता है ट्रांसपोज, परिवर्त। किसी भी आव्यूह का हम अगर परिवर्त आव्यूह निकालें, अगर उस आव्यूह के बराबर है तो वो कैसा आव्यूह होगा, सममितापियों। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज के लिए एक एग्जाम्पल हमने ले लिया 1001, मैंने ले लिया। अच्छा, आप इसका a डैश करिए। a डैश मतलब क्या चीज़ होता है, हमने इसमें सिखाया था कि ये जो रो है इसको कॉलम में चेंज कर देंगे, इसको ऐसा लिख देंगे। अच्छा, ये दूसरा वाला जो है इसको ऐसा लिख देंगे। जरा वीडियो को पॉज करके मिलाइए, क्या दोनों सेम दिख रहा है। हाँ, तो a डैश, अब यहाँ कहेंगे सर a लिख सकते हैं, अगर a डैश इज इक्वल टू a है, ऐसा है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें 1 2 2 1 ले लिए। अच्छा, इसको हम करेंगे, इस पंक्ति को हम ऐसे कर दिए, अच्छा इसको हमने ऐसे कर दिया 2 1, क्या दोनों में अंतर है। अगर a डैश इज इक्वल टू कैपिटल a, a डैश इज इक्वल टू कैपिटल a, मतलब परिवर्त आप भी हमने किया और वही आप भी मिल गया, तो दिया गया आप भी क्या होगा, सममिता भी होगा। चलिए इसका एक दूसरी अवधारणा ध्यान से देखते हैं, दूसरी अवधारणा में क्या चीज होता है। अच्छा, दूसरी अवधारणा जो होती है यहाँ होती है स्मॉल ए आई जे इज इक्वल टू स्मॉल ए जे आई। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे सर इसका मतलब क्या चीज होता है स्मॉल ए आई जे। अच्छा, आई जो सबसे पहले लिखा है ये पंक्ति के लिए है, ये किसके लिए है, पंक्ति के लिए है। अच्छा, जे बाद में लिखा है ये किसके लिए है, कॉलम के लिए, किसके लिए है, कॉलम, अरे मतलब बोले तो स्तंभ के लिए। अच्छा, यहाँ पर पंक्ति आई है लेकिन यहाँ पर पंक्ति क्या होगा, जे होगा, यहाँ पर पंक्ति क्या होगा, जे होगा, मतलब पंक्ति और स्तंभ दोनों परस्पर क्या हो रहे हैं, चेंज हो जा रहे हैं। अच्छा, आप देखना चाहते हैं तो जरा देख लीजिए कैसे होता है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, पक्का आपको समझ में आ जाएगा। सपोज करिए कैपिटल ए इज इक्वल टू यहाँ दिया है A11, A12, A21 और A22। आप क्या करते हैं, इसको ये जो है ये पंक्ति जो है जो ऐसे है इसको ऐसे लिख देते हैं, स्तंभ में लिख देते हैं, जितनी भी पंक्तियां हैं ये ऐसे फॉर्म में, इसको ऐसे फॉर्म में A11, A12। अच्छा, आप ऐसे कर देंगे A11, A12। अच्छा, इसको ऐसे कर देंगे A21, A22। जरा आप देखिए क्या हुआ, ये 21 था, ये क्या हो गया 12 हो गया, ये 22 था, ये चेंज हो गया। ठीक है, तो मतलब ए आई जे ए जे आई के बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, मतलब जो पंक्ति था वो स्तंभ में चला जाएगा, जो स्तंभ है वो पंक्तियों में चला जाएगा। तो यही क्या दिया गया, ये सममितापियों है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कई क्वेश्चन इस पर क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आगे इसका एक सूत्र भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले आप विषम सममितापियों को जरूर समझिए, क्या चीज़ है विषम सममितापियों। ठीक है, थोड़ा सा विषम सममितापियों आपको देखना है। ठीक है, तो हम आपको कुछ कुछ चीज़ें मिटा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें। आपको क्या पढ़ना है, विषम सममित, मतलब इसको सिमेट्रिक, इसी के आगे हम क्या लिखा सकते हैं, विषम सममितापियों, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो होता है वो a डैश इज इक्वल टू माइनस a या a की पावर ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस a, मतलब आप परिवर्त करें और वो परिवर्त में क्या हो जाए, माइनस a के इक्वल आ जाए, माइनस a के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो दिया गया आव्यूह जो होगा वो विषम सममित आव्यूह होगा। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में क्या चीज है। जैसे कैपिटल a इज इक्वल टू दे दिया गया यहां पर 0 -2 2 और 0, ये दिया गया। अच्छा, जरा आप इसका ट्रांसपोज करिए, परिवर्त निकालिए। जैसे आप परिवर्त निकालेंगे, ये पंक्ति है इसको स्तंभ में लिख देंगे, मतलब 0 -2 इधर से है, 0 -2 आप ऐसे लिख देंगे। अच्छा, ये ऐसे है, इसको ऐसे लिख देंगे, मतलब 2 ऊपर 0 ऊपर। जरा आप मिलाइए दोनों, जरा आप दोनों मिलाइए, क्या इक्वल है, यहाँ -2 है, यहाँ +2 है, यहाँ +2 है, -2 है, ए डैश इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे। अच्छा, माइनस को कॉमन करेंगे, 0 ऐसे रहेगा, ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, और बाकी ये क्या हो गया 0, मतलब a डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ए। ये अपना क्या हो गया, विषम सममितापियों। तो मुझे एहसास है कि आपको स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों समझ में जरूर आया होगा। हाँ,
सममित और विषम सममित से रिलेटेड एक फार्मूला भी होता है, आप सममित विषम सममित देख लीजिए। अच्छा, उसका फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर ये नोट कर लीजिए, कैपिटल ए इज इक्वल टू होता है 1/2 ए प्लस ए डैश और प्लस होता है 1/2 ए माइनस ए डैश, यही चीज होता है। ये क्या चीज है, ये फार्मूला है। अच्छा, यहाँ पर क्या हो गया, फार्मूला के तौर पे कैपिटल एज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश और प्लस 1/2 इज इक्वल टू ए माइनस ए डैश। अच्छा, यहाँ क्या चीज है, यहाँ ये जो है ये सममित है, यहाँ पर ये क्या है, ये सममित है और ये जो है ये क्या है, विषम सममित है, ये क्या है, विषम सममित है, ठीक है। चलिए, तो हम इसके बारे में ध्यान से एक क्वेश्चन लेते हैं और उसी को समझाने का प्रयास करते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है, कैपिटल ए इज इक्वल टू, एक क्वेश्चन दिया गया है 1/5 - 1/2, मतलब 1/5 - 1/2, ठीक है। चलिए, हम इस क्वेश्चन को पूरा प्रूव करते हैं, स्टार्ट से लेकर के अंत तक पूरा देखते रहिए। अच्छा, इस पे मैं 2×2 का मतलब 2×2 मैट्रिक्स लगा रहा हूँ, आप 3×3 का एक मैट्रिक्स लगा करके पूरा आंसर चेक करिए कैसे क्या चीज है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये दिया है कैपिटल ए, अच्छा हम निकालते हैं ए डैश, ए डैश आप निकाल ले जाएंगे, आप क्या करेंगे, ये पंक्ति है इसको स्तंभ में चेंज कर देंगे, ये पंक्ति है इसको स्तंभ में चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, 1/5 ऐसा हो गया, -1/2 ऐसा। अच्छा, आप अब आप क्या करेंगे, ए प्लस ए डैश निकालेंगे, मतलब ए प्लस ए डैश मतलब 1/5 - 1/2 और प्लस ए डैश, ए डैश का ये है 1 - 1/5 और 2, जरा दोनों को ऐड करते हैं, ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू 1/1/2 हो गया, 5 में से 1 गया 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया, यहाँ 2 क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं ध्यान से, हाँ चलिए यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब हम p इज इक्वल टू लिखते हैं 1/2 ए प्लस ए डैश, ठीक है, ए प्लस ए डैश मतलब 1/2 ए प्लस ए डैश, यही तो आया है 2, 4, 4, 4, चलिए सबको डिवाइड करते हैं। अच्छा, हम ये p इज इक्वल टू आएगा, 2 से यहाँ भाग होगा 1, 2, 2, 2, सब में हमने 2 से भाग कर दिया, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 2, 2 × 4 = 2, 2 × 4 = 2। अच्छा, ये कैपिटल p है, जरा p डैश निकालिए आप, ये पंक्ति है स्तंभ हो गया, ये पंक्ति है ये स्तंभ हो गया, क्या ये दोनों बराबर है, अगर p इज इक्वल टू p डैश है तो ये क्या है, एक सममित आव्यूह, p एक क्या है, p एक सममित आव्यूह है, यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ जाने रहिए, कैपिटल p एक सममित आव्यूह, कैसा आव्यूह है, सममित आव्यूह है। अच्छा, चलिए यहाँ पर आपका ये p वैल्यू आया है, इसको याद रखिए, इसको याद रखिए। अच्छा, आगे चलते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, a माइनस a डैश करते हैं, a माइनस a डैश मतलब इसको हम क्यों मान लेते हैं, ठीक है, a माइनस a डैश, a की वैल्यू क्या दिया है, 1 है, 5 है, -1 है, 2 है। अच्छा, प्लस नहीं माइनस, प्लस नहीं, यहाँ क्या होगा, माइनस होगा। अच्छा, माइनस लिया a डैश 1, -1, 5 और 2, जरा सॉल्यूशन करते हैं, 1 - 1 = 0, 5 - -1 + 1 = 6, -1 और -5 ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ -6 हो गया और 2 में से 2 गया तो क्या हो गया, 0, ये q हो गया। अच्छा, q इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला 1/2 a माइनस a डैश, तो q इज इक्वल टू 1/2 जरा 0, 6 - 6 = 0, तो क्या मिलेगा, q इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2 से डिवाइड करा जाएगा, 0 होगा, 3 होगा, -3 होगा, 0 होगा। अच्छा, जैसे ही आप q डैश निकालेंगे तो ये ऐसा है, यहाँ ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, मतलब पंक्ति स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में, तो क्या बराबर है दोनों, नहीं बराबर है, तो यहाँ q डैश इज इक्वल टू माइनस कॉमन 0, 3 - 3 = 0, मतलब q डैश इज इक्वल टू माइनस q हो जाएगा, अतः q क्या है, विषम सममित आव्यूह, कैसा आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। अच्छा, यहाँ आपने p को याद रखा था, यहाँ आपने q को याद रखा है, जरा हम आपसे कहते हैं कैपिटल A इज इक्वल टू, यहाँ निकाल लीजिए p प्लस q, जरा p का मान रखिए 1, 2, 2, 2, मतलब 1, 2, 2, 2। अच्छा, प्लस q का मान रखिए क्या है, 0, ठीक है, q का मान जो दिया है 0 है और 3 है, -3 है और 0 है, जरा दोनों ऐड करते हैं, 1 हो जाएगा, 3, 2, 5 हो जाएगा, यहाँ -1, 2 + 0, 2 हो गया, 1, 5 - 1 क्या यही इतना था, आ गया पूरा टोटल, तो कैपिटल ए था और कैपिटल ए आ गया पूरा जोड़ने पर, यही हमारा एक क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन तैयार कर लीजिए और 3×3 का जरूर लगाइए, और आपको आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए प्लीज।